दोस्तों, कई बार हम सबके मन में कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आता है कि हम तो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों को दान पुण्य भी करते हैं, सबकी भलाई करते हैं, फिर भी हमें हमारे इन अच्छे कर्मों का, हमारी इस अच्छाई का फल क्यों नहीं मिलता? क्या अच्छे कर्मों का फल कभी मिलता भी है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। किसी गांव में एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका नाम था शीला। उसके परिवार में उसका पति और उसके बूढ़े सास ससुर थे। इस औरत का एक जवान बेटा भी था, जो काम की तलाश में बहुत दूर किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। शीला हर रोज सुबह शीघ्र उठकर स्नान करती और ईश्वर की भक्ति करती थी। उसके पश्चात वह परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। सभी सदस्यों को भोजन कटवाने के पश्चात वह हर रोज गुड़ की एक मोटी सी मीठी रोटी बनाती। यह मीठी रोटी और एक पानी का गिलास वह घर की खिड़की के सहारे रख देती थी, ताकि वहां से गुजरने वाला कोई भी भूखा राहगीर उस रोटी को खाकर अपनी भूख शांत कर सके। यह तो शीला का हर रोज का नियम था। एक भिखारी हर रोज शीला के घर के सामने से गुजरता और उस खिड़की पर आता। वह पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता और गुड़ की मीठी रोटी अपने साथ ले जाता था। शीला हर रोज गुड़ की रोटी खिड़की के सहारे रखती और हर रोज ही वही भिखारी वहां आता और उस रोटी को अपने साथ ले जाता था। जाते जाते वह भिखारी हर रोज यह बड़बड़ाता था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। दिन गुजरते चले गए और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वह भिखारी हर रोज वहां से मीठी रोटी लेकर जाता और फिर उन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। शीला हर रोज भिखारी को इस तरह बड़बड़ाते हुए देखती और परेशान हो जाती थी। वह सोचने लगती, यह भिखारी कितना अजीब है। मैं हर रोज इसके लिए स्वादिष्ट रोटी बनाती हूँ, इसके लिए पानी रखती हूँ, परंतु फिर भी इसके मुख से धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं निकलता। धन्यवाद करना तो दूर की बात है, रोटी लेकर पता नहीं है भिखारी क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। इस प्रकार शीला भिखारी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गई। वह भिखारी के मुख से धन्यवाद सुनना चाहती थी, परंतु कभी भूल से भी भिखारी ने उसको धन्यवाद नहीं कहा। इस तरह शीला का गुस्सा और झुंझलाहट बढ़ती चली गई। एक दिन गुस्से में आकर शीला ने एक फैसला किया। वह सोचने लगी, अब तो मैं इस भिखारी से छुटकारा पाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ऐसा सोचते ही शीला के मन में एक कुटिल विचार उत्पन्न हुआ। उसने भिखारी के लिए एक मोटी सी रोटी बनाई, परंतु उस दिन उसने रोटी में गुड़ की बजाय जहर मिला दिया। और जैसे ही वह जहर वाली रोटी खिड़की पर रखने लगी, तो पता नहीं क्यों उसके हाथ कांपने लगे। वह एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाई और फिर खुद से कहने लगी, हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं एक भिखारी की हत्या करने जा रही हूँ? नहीं ईश्वर, मैं यह पाप कभी नहीं कर सकती। और ऐसा सोचते ही शीला ने तुरंत वह जहर वाली रोटी खिड़की से उठाई और उसे चूल्हे की आंच में डाल दिया। अब उसने तुरंत ही गुड़ की एक ताजा रोटी बनाई और हर रोज की तरह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया। और हर रोज की तरह वह भिखारी वहां आया और रोटी लेकर, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारी साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा, ऐसा बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस शीला के दिमाग में कितनी खलबली मच रही थी। शीला जब भी हर रोज खिड़की पर मीठी रोटी रखती थी, तो ठीक उसी क्षण वह हाथ जोड़कर ईश्वर से अपने इकलौते बेटे की सलामती, उसकी अच्छी सेहत और उसके घर वापस आने के लिए प्रार्थना करती थी। उसका बेटा अपने सुंदर भविष्य के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, परंतु महीनों से उसकी कोई खबर ना थी। और शायद ईश्वर ने उस दिन शीला की पुकार सुन ली। उसी शाम शीला के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही शीला ने दरवाजा खोला, तो उसे तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
उसकी आंखों के सामने उसका इकलौता बेटा खड़ा हुआ था, वही बेटा जिसका इंतजार वह कई महीनों से कर रही थी। परंतु यह क्या, उसका बेटा तो बहुत दुबला पतला लग रहा था, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। जैसे ही बेटे ने अपनी माँ को देखा तो वह उसके गले से लगकर रो पड़ा और कहने लगा, माँ आज यह ईश्वर का कोई चमत्कार ही हुआ है जो मैं तेरे सामने खड़ा। वापिस आते समय जब मैं घर से एक मील की दूरी पर था तो मैं इतना ज्यादा भूखा प्यासा था कि भूख के कारण मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। परंतु तभी एक भिखारी वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। भूख के कारण मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने इशारे से भिखारी से कुछ खाने को मांगा। भिखारी के पास एक ही रोटी थी। उस भिखारी ने मुझसे कहा, एक भली औरत हर रोज यह गुड़ की रोटी मुझे खिलाकर मेरी भूख को शांत करती है, परंतु आज इस रोटी की जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हें है। और ऐसा कहकर भिखारी ने वह गुड़ की रोटी मुझे दे दी। मैंने वो गुड़ की रोटी खाई और मेरी थोड़ी सी भूख शांत हुई और मेरे शरीर के अंदर जान आई। मैं सच कह रहा हूँ माँ, अगर आज वह भिखारी मुझे वह रोटी ना देता तो तेरा बेटा भूख से तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता। बेटी की यह बात सुनकर माँ का दिमाग तो बिल्कुल सुन हो गया। उसे एकदम चक्कर आ गया। वह सोचने लगी कि अगर आज उसने भिखारी को वह जहर वाली रोटी दे दी होती तो क्या होता, उसका अपना इकलौता बेटा मर चुका होता। और ऐसा सोचते ही वह ऊपर से नीचे तक कांप उठी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़ते दौड़ते उस भिखारी के पास गई और कहने लगी, बाबा मुझे क्षमा कर दो। भिखारी समझ नहीं पाया कि शीला माफी क्यों मांग रही थी, परंतु शीला आज भिखारी के उन शब्दों का अर्थ अच्छी तरह समझ चुकी थी। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो एक न एक दिन तुम तक लौट कर जरूर आएगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमेशा और हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए। हमारे किए हुए ये अच्छे कर्म कब किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं यह हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए आप सदा दूसरों के साथ अच्छा करते रहें, चाहे कोई आपकी तारीफ करे या ना करे। क्योंकि दोस्तों, सूर्य जब उदय होता है उस समय करोड़ों लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, परंतु फिर भी सूर्य उदय होना बंद नहीं होता। वह तो हर रोज उसी समय अपना प्रकाश सब और फैलाने के लिए उदय होता ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के साइन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।